नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आपमानको स्वागत करुछि भाग्य भविष्यत लाइफ को। दर्शक बंधु, आपमानको प्रश्न, आपमानको समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्यत। आपमानको जे प्रश्न रहुछि, समस्या रहुछि, तले स्क्रीन ने प्लस होतबा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्म स्थान कहतु। दर्शक बंधु, जमती कि आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय उपर आलोचना करतमान समय बहुत आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपण को कमी मिल पार बहुत कौन जतक जोग अच्छी बहुत केवपर आपंकर कमी लाइफ पार्टनर आपको मिल पारे और मैरेज पर कैसे अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर सहित आपंकर बनी पार आपंकर पर कैसे सुख शांति मिल पार से सब जिन चेक करना बहुत को लेकिन प्रत्येक समय अधिका प्रश्न आसर विशेषकर आप लव मैरेज करेंगे कि आरएज मैरेज कर जतक जुग अच्छी मैरेज पर कैसे अंडरस्टैंडिंग रोक उभये आप लाइफ पार्टनर आपको कैसे ट्रस्ट करेंगे कैसे सपोर्ट करेंगे से सब जिन जानक चाहते देखुं से आपं जतक मांगल्य भाव को कहीं मांगल्य भाव स्थित केमती रोच ग्रह मान स्थित केमती रोच से हिसाब से आपड़ जापर आपं मेरेज लाइफ आप पारिवारिक स्थित और मानसिक शांति केमती आपको मिल पार से देखुं कहीं मांगल्य भाव कह जाए लग्न सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस सेवेन्थ हाउस एइथ हाउस ट्वेल्थ हाउस को विशेष भाव में मेरेज पर जिते बड़े आप प्रश्न आज हाउस मान विशेष भाव में देखा जाए ये हाउस मानक जब अधिकार अधिका शुभ ग्रह प्रभाव रोचे जमीक शुक्र बुध बृहस्पति एवं पूर्ण चंद्रमा ये हाउस मानक अधिका स्ट्रंगली पोजिशन रखुंत तेले बहुत भल आप स्वभाव रहुत भल पर आपंकर बहुत भल लाइफ पार्टनर आपारे और मेरेज पर बहुत भल अंडरस्टैंडिंग आपड़ रखिपर आप लाइफ पार्टनर सहित किंतु जी हाउस मानक पापग्रह अधिका प्रभाव रोचे मंगल शनि राहु केतु जदि हाउस रे पापग्रह अधिका ज्योति रोचे जमीक मंगल शनि कंजक्शन मंगल राहुर कंजक्शन मंगल केतुर कंजक्शन जो रोच लग्न सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस सेवेन्थ हाउस एइथ हाउस ट्वेल्थ हाउस तेल आप स्ट्रगल करेंगे आप मानसिक स्थिति को लेकिन आप डिसीजन को लेकिन आप कथबार्ता को लेकिन आप लाइफ पार्टनर जी भी मिले आपको प्रत्येक समय नेगेटिव रोकठू प्रत्येक समय मतांतर मनातर और मेरेज लाइफ में समस्या देखादेव से देखो कौन जतक जोग अच्छी कहीं मेरेज पर कौन प्रतबंधक रोच बहुत समय देखा जाए मेरेज अहेतुक विलंब हो जाए कहीं विलंबर कारक ग्रह शनि जदि आप जतक मांगल्य भाव को प्रभावित करुच्ची मांगल्य भाव में बकरी भाव में अवस्थान करमती कि शनि लग्न में पोजिशन रखुच्छी बकरी अवस्था और सेवेन्थ हाउस पोजिशन रखुच्छी बकरी अवस्था सेकेंड हाउस ट्वेल्थ हाउस एइथ हाउस फोर्थ हाउस जदि शनि बकरी भाव में पोजिशन रखुच्छे और सेभेन्थ हाउस लॉर्ड सहित कनेक्शन रखुच्छे तेल मेरेज अहेतुक विलंब हम कहीं शनि विलंबर कारक्टर मेरेज पर विलंब हो जाए से देखते कौन दशा चलती जब शनि दशा चलती वर्तमान समय आप मेरेज पर देखुं मेरेज पर अहेतुक विलंब हो मेरेज पर जहाँ भी आप प्रस्ताव चाहूँ आप पिला पाखे जहाँ भी योग्यता अच्छी से हिसाब से प्रस्ताव आपको आसपार ना ठीक भाव में प्रोसेस नहीं जहाँ भी आप प्रोसेस करेंगे शेष मुहूर्त भांगिजी जड़े कल जोड़ सहित कथा हेलो नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे पुआ विषय पुओं जन्म तारीख अठाई छियानबे समय कहतु दिन तीन टा पांच जन्मस्थान कहतु कौन जाना चाहते पुओं विषय से बीटेक करती सेफ्टी बी कोर्स करती तापरे तार कर्म रे टिके सफलता पाउनी अच्छा आ देह रे भी टिके पीड़ा रहउची केमिति कोन हबो टिके अच्छा अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी प्रश्न हो विशेष कर प्रत्येक समय आप स्ट्रगल कर प्रत्येक कार्य को लेकिन विलंबर शिकार होती तो आप लग्न रोच तुला लग्न और आप राशि रोच तुला राशि लग्नाधिपति राशियाधिपति शुक्र आप घर जेहेतु सेभेन्थ हाउस पोजिशन रखुच्ची शनि पूर्ण दृष्टि रोचे से प्रत्येक समय आपंकर हेल्थ सेनसीटिविटी रोच प्रत्येक समय हेल्थ इश्यू आप फेस कर किसी दीर्घकालीन रोग
आपण फेस करछंती पेट रिलेटेड समस्या एवं लेजिनेस आपण भीतर होउछ अधिका थंडा मध्य आपण भीतर होउछ एवं प्रत्येक कार्य को जाबी आपण करे को चाहउछंती प्रत्येक कार्य रे विलंब होइ जाउछ आपण को सक्सेस मध्य आपण पाई पारु नाहंती जाबी सर्विस करछंती सर्विस रो अधिका टार्गेट मिलुछ अधिका परिश्रम करे को पडुछ सेही समय सेही हिसाब रे आपण को फाइनेंशियल ग्रोथ मध्य मिलि पारु नै प्रॉपर्ली हाइट मध्य आपण पाई पारु नाहंती वर्तमान समय आपको नेगेटिव चलती विशेष करी प्रत्येक समय हेल्थ इश्यू मध्य लागिक रोचे कहीं लग्न लग्नाधिपति शनि प्रभाव रोचे से वर्तमान समय नेगेटिव चलती आप जेहेतु बृहस्पति शुक्र चलती किंतु आग को किसी ना कि चेंजेस आप लक्ष्य करेंगे 2023 नवेम्बर पर 22 नवेम्बर 2023 पर किसी हेल्थ में बहुत भल सुधार रहा कहीं बृहस्पति शुक्र से बुध चलार अच्छे जेहेतु बुध आप पजिट अच्छे भाग्याधिपति 10th हाउस पोजिशन रखुच्छे आप हेल्थ में किसी ना कि सुधार रहा प्रत्येक कार्य को लेकिन आपड़ स्ट्रगल करलंबर शिकार होती बहुत विलंब हो कहीं बहार कारग्रह दाम्पत्य सुखर कारग्रह शुक्र उपनि प्रभाव रोचे से आप स्ट्रगल करते आग को आपको सक्सेस मिल पार बहुत भल सक्से आपर 22 नवेम्बर 2023 पर जब्रे बहुत भल सक्से मिल हेल्थ में बहुत भल सक्से आपण पारे कि वर्तमान समय विशेषकर प्रत्येक दिन शनि विजय मंत्र आप जप करूँ ओं खा खी खौ सह शनिश्वर नाम को प्रत्येक दिन सका संध्या सतीश थर जप करूँ और ब्लैक कलर को टोटाली एवोड करूँ ब्लू कलर वायलेट कलर को मध्य टोटाली एवोड करूँ ग्रीन कलर सिल्वर कलर येलो कलर एवं व्हाइट कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से आप आउ जने कला जड चंतक से तो कथा पा हेलो नमस्कार नमस्कार कोन तो काबिस चल गई सर वो पूर्ण से जाने है कोन तो पोंग का जन्म तारीख हो पूरा जन्म तारीख ना 24/1/2012 24 जनवरी 2012 अग्या समय कोन तो समय जितना 3:10 अपराह्न 3:10 अग्या जन्म स्थान कोन तो ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी प्रश्न होती विशेषकर बर्तमान कनसेंट्रेसन अभाव रखुच्छे पिला पढ़ापढ़ी में प्रपर्ली मन लगुना पिलार जेहतु आप लग्न रोच मिथुन लग्न वायुतत्व लग्न एवं लग्नाधिपति बुध आप 8th हाउस पोजिशन रखुच्छे आप राशि रोच मकर राशि श्रवण नक्षत्र मकर राशि जेहेतु मकर राशि लॉर्ड शनि आप 5th हाउस उच्च अच्छी बहुत बड़ा जोग सृष्टि होतक विशेषकर देखते सशक्त महापुरुष जोग सशक्त महापुरुष राजयोग सृष्टि होगा जतक अधिका परिश्रम करा पड़ो लाइफ में कितु बहुत भाला हाइट मिल पार पिला को जहाँ भी लाइफ में मिले मेच्योर मिल कि ना कि विलंब रिला को अधिका लेजिनेस रोचे पिला भितर अधिका थंडा रिलेटेड समस्या पिला प्रत्येक समय फेस करसन अभाव रखुच्छे कहीं चंद्र दुर्बल अच्छी जेहतु पिला अमावास्या पाखापाखि जन्म होती है मकर राशि मुभेबल सैन में पिलार जन्म ग्रहण होती से मानसिक अस्थिरता अधिक रोचे फिकिलनेस अधिक रोचे पिलार वर्तमान समय चलते वर्तमान वर्ष चलते 10 वर्ष 7 मास 6 दिन चलते से अधिका स्ट्रगल चलते कहीं 11 वर्ष अधिका स्ट्रगल भरा रोचे पिलापाई अधिका फिकिलनेस रोचे वर्तमान समय चलती राहु दशा बृहस्पति अंतर्दशा बृहस्पति जेहेतु हेल्थ रारग्रह शनि प्रभाव रोचे शनि दृष्टि रोचे बृहस्पति से प्रत्येक समय हेल्थ इश्यू पिला फेस करुच्चे समय समय किसी ना कि थंडा रिलेटेड समस्या एवं पेट रिलेटेड समस्या पिला प्रत्येक समय फेस करुच्चे किंतु पिला जहाँ भी पड़ुच्छे बहुत शीघ्र कैच करुच्चे किंतु बहुत दिन पर्यंत मन रखी पार ना अधिका ओवर कन्फिडेन्स आसी जाऊँ पिला भितर से वर्तमान समय जहाँ भी चली बहुत भल समय आस पढ़ापढ़ी बहुत भल कर 28 जनवरी 2023 पर बहुत भल कनसेट्रेसन पाइपर पिला जहाँ भी वर्तमान समय स्ट्रगल कर बहुत भल पढ़ी पार कि गोटे प्रतिकार करूँ एजुकेशन पाई फ्यूचर पाई राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे पान्ना पिंधतु और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर गोटे ब्लू मून पिंधतु मानसिक स्थिरता पाई एवं लाइफ अचीवमेंट पाई बहुत पॉजिटिव रत्येक शनिवार दिन शिवलिंग कंचा क्षीर चढ़ातु
ପିଲାର ନାମକୁତ୍ରରେ ସର୍ବବାଧା ପ୍ରସମନ୍ନମ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେଶାଖିଲେଶ୍ୱରୀ ଏବବେବ ତୋୟା କାର୍ଯ୍ୟମ ମସ୍ମତ୍ ବୈରି ବିନାଶନମ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ 27 ଟି ଦେବ ପିଲାର ନାମକୁତ୍ର ଜଣାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ବି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖିପାରୁନି, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବ ପିଲା। ଆଉ ଜଣେ କଲ୍ ଜଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବିବାହକୁ ନେଇକି, ବିବାହକୁ ନେଇକି ଅଧିକା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ମିଳିପାରିବ, କେମିତି ବିବାହ ପାର୍ଟନର୍ ମିଳିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବିବାହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ ବହୁତ ପୁରା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାତକରେ କ'ଣ ଏମିତି ଯୋଗ ଅଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିବାହ ପାଇଁ, ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେବ, ଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କଲ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ। ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 29/9/1995। 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1995। 5:30 AM। 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1995 ସକାଳ 5:30। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ପୁରୀ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଜବ୍କୁ ନେଇକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ପୃଥିବୀତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମୀ ଅଛନ୍ତି, ହାର୍ଡ ଲେବର୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି ବିଛା ରାଶି, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି 17/8। ଯେହେତୁ ବିଛା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଗରସ୍କୋପ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଡର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅଧିକା ସଫ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମ୍ମାନ କରିବା, ପରୋପକାର ନେଚର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟାଣି ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଉଛି ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକିନା 7th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯାହା ବି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। 14 ଜାନୁଆରୀ 2023 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜବ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ। 4 ଡିସେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ରହୁଛି, ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ହୋଇପାରିବ। ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏବଂ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲ୍ ଜଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୁଁ ସାର୍ କଟକରୁ କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି।
जन्म तारीख कह तो जुलाई 1969 हां सर भोर मॉर्निंग 3 तारीख जुलाई 1969 राती 3 टा हां जन्म स्थान कोन तो कटक काले 23 तारीख कोन जाने चाहौ छंती आपन तंत्र जब क्षेत्र रे बहुत प्रॉब्लम अछि केस रे सेंसि परिवार रे टिके अछि होसे तार विषय रे सर अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जानक चाहूँ विशेषकर जब को लेकिन अधिक स्ट्रगल करब को लेकिन आकस्मिक भाव में किसी ना कि स्ट्रगल आपको समस्या सृष्टि होकर कहीं आप लग्न हूँ मिथुन लग्न वायुतत्व लग्न आपंकर लग्नाधिपति बुध आप जेहेतु सेकेंड हाउस सूर्य सहित युक्त अच्छी सूर्य बुधर जोग बुधादित्य को क्रिएट कर स्वाभिमानी स्वभाव रोचा आपड़ अन्न को सान करने परोपकार नेचर आपको भितर रोचे किंतु प्रत्येक समय किसी ना कि समस्या आप निजे ही सृष्टि कर समस्या भितर को टाणी आसान कहीं आप राशि रोचे तुलाराशि स्वाति नक्षत्र तुलाराशि 15/7 प्रत्येक समय न्यायवान रोचे किंतु प्रत्येक समय किसी ना कि स्ट्रगल होने को सहजे विश्वास करना कि स्ट्रगल फेस कर बहुत भल समय आस स्ट्रगल कर सर्विस को लेकिन 11 जनवरी 2023 जहाँ भी आपड़ लिटिगेशन शिकार होती बहुत भल हो पार बहुत भल सक्से मिल पार कि गोटे प्रतिकार करूँ आप सर्विस सक्से राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में येलो सफायर पिंधतु और प्रत्येक शनिवार दिन शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ात आपंक नामकोत्र सर्व बाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य न संशय ब्लाक कलर को टोटाली एवोड करूँ प्रत्येक दिन शनि बीज मंत्र सतीस्थ जप करूँ ओं खा खी खौ शनिश्वर नाम को प्रत्येक दिन सका सन्ध्या जप करूँ जहाँ भी स्ट्रगल होगी मानसिक अशांति रोचे बहुत भर सक्से मिल पार आपण को तो दर्शक बंधु आलोचना कर जन कल जोड़ सहित कथा हेलो हेलो सर नमस्कार नमस्कार कौन तो क्या विषय जानवे सर मु पुआ विषय रे जानबा को चाहू छी कोन तो पुआ को जन्म तारीख सर 2008 सितंबर 2 जन्म तारीख सॉरी समय हो कि संध्या 5:15 आउ थरी कोन तो जन्म तारीख आपन कर सितंबर 2008 सितंबर 2008 समय कोन तो संध्या 5:15 जन्म स्थान कोन तो सर ढेंकानाल कौन जाने चाहूँ चंती पोंग का विषय आपन सर ऐसे बहुत भला पढ़ूत ना किंतु एबे से अच्छा। बिल्कुल पढ़ा रे मन लागुनी आ तो विषय को कहां होबो पाठ पढ़ा कि नहीं अच्छा कौन पढ़ुची पिला वर्तमान सर से 9th रे पढ़ुची एबे अच्छा सीबीएसई पढ़ु चंती अच्छा सर अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जानक चाहूँ चंती वर्तमान समय एजुकेशन करके पिला फ्लक्चुएट होउची कंसंट्रेशन अभाव रखुच्छे पढ़ापढ़ी में प्रपर्ली मन लगुना पिलार से देखा आप लग्न रोच कुंभ लग्न जेहेतु कुंभ लग्न वायुतत्व लग्न और लग्नाधिपति शनि आप जेहेतु सूर्य सहित युक्त अच्छी सूर्य शनि जुग अच्छे से अधिका लेजिनेस रोचे पढ़ापढ़ी में कनसनट्रेट हो पारना और पिलार राशि रोचे कन्या राशि हस्ता नक्षत्र कन्या राशि 13/6 वर्तमान समय कनसनट्रेसन अभाव रखुच्छे कहीं राहु बृहस्पति चली बृहस्पति एजुकेशन काराग्रह बकरी अच्छी से अधिका लेजी स्वभाव रोचे पिला पढ़ापढ़ी प्रपर्ली पारना कितु आग को बहुत दूर पढ़ी पार जहाँ भी पढ़ापढ़ी करुच्ची कनसनट्रेसन पाइपर 25 अक्टोबर 2022 पर बहुत भल समय अच्छी जहाँ भी बर्तमान लेक कर कनसनट्रेसन बहुत भल पढ़ी पार कि जहाँ भी एक्जामेसन फ्यूचर लिखे न्यूट्रल रिजल्ट कर विशेषकर देखो टेक्निकल सेक्टर पर बहुत भल जातक जुग अच्छे सफ्टवेयर फिल्ड को जब जाऊँगी पिला तेल पिला बहुत भल सक्से फ्यूचर में कितु बर्तमान समय गोटे प्रतिकार करूँ लाइफ एचिवमेंट जेहेतु चंद्र दुर्बल अच्छी मानसिक अस्थिरता अधिक रोचे अमावास्या पाखापाखि पिला जन्म होती राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे ब्लू मून पिंधातु और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में येलो टोपास पिंधतु एजुकेशन फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रही दर्शक बंधु आलोचना कर देखुं आप जातक कौन जोग अच्छी बहुत
କାହିଁକିନା ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସୁଛି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିବାହ ଲାଇଫ୍ କେମିତି କଟିପାରିବ, ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପିଲାକୁ କେମିତି ମିଳିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱଭାବ ହିସାବରେ କେମିତି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପିଲାକୁ ମିଳିପାରୁଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପିଲାକୁ ମିଳୁଛି, ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାତକକୁ, ଜାତକରେ କ'ଣ ଏମିତି ଯୋଗ ଅଛି, କ'ଣ ଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି, କ'ଣ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିବାହ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଭାବକୁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଭାବ ବିବାହ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ। ଲଗ୍ନ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କେମିତି, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ପଜିଟିଭଲି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଉପରେ କେମିତି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ନ୍ୟାୟନୀତି ଆଦର୍ଶର ଗ୍ରହ ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲାନେଟ୍, ଡିସିସନ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍, ଜଷ୍ଟିସ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ଲଗ୍ନକୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ସାତ୍ୱିକ ଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗ୍ରହ, ଯଦି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମ୍ମାନ କରିବା, ପରୋପକାର ନେଚର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବେ ଆପଣ ନେବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିବେ, ପରିବାରଠାରୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସମାଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍, ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ରହିବ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଯିଏ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସାତ୍ୱିକତା ରହିବ, ସ୍ୱଭାବରେ ସାତ୍ୱିକତା ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରଖିପାରିବେ ଆପଣ ଉଭୟ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି କଟିପାରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକିନା ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦିଗା ଯଦି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ କଟିପାରିବ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ବିବାହ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସମୟ ଚାଲିଛି ପଜିଟିଭ୍ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିବାହ ପାଇଁ କ'ଣ ଜାତକରେ ବିଶେଷ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି ବିବାହ ପାଇଁ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।